हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी वर्मा। तो दोस्तों, आज मैंने जितनी भी कटिंग्स लगाई है उन सभी की कटिंग्स की वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूं। और देखते हैं जितनी कटिंग्स मैंने आपसे शेयर की है वो चल रही है कि नहीं चल रही है। और ये मेरा फायर बुश का प्लांट है, और ये भी देखिए कितना बुशी हो गया है और फ्लावरिंग कर रहा है, और इसमें हमिंग बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा आती है, और ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमारी कटिंग्स कैसे चल रही है। भाई, कटिंग्स का भी हाल चल लेना ज़रूरी है कि भाई वो ग्रोथ पर है कि नहीं है, किसी की रूट्स निकली है कि नहीं निकली है, किसी में फुटाव स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो भाई जब ये सब देखेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि हमारी मेहनत कहाँ तक पहुँची है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने गुड़हल की कितनी सारी कटिंग्स लगा रखी है और ये सारी की सारी सक्सेस हो गई है। बस इसमें दो तीन ही कटिंग्स ख़राब हुई है। और ये देखिए, मैंने एक महीना पहले लगाई थी, और यहाँ पर जो है मैंने ये मधुकामनी जो बड़ी वाली वैरायटी होती है उसका भी मैंने लगाया था, मैंने कटिंग लगाई थी। और ये भी देखिए अभी तक हरी है, और ये भी मैंने एक महीना पहले लगाई थी, और ये भी देखिए इतने अच्छे से चल पड़ी है, क्योंकि मधुकामनी भी मैंने जो है कटिंग से ही लगाई थी और कटिंग से कटिंग तैयार की है मैंने। और ये देखिए हमारा अलमांडा वाइन है, और इस ये भी कटिंग से मैंने तैयार किया है। अच्छा, अलमांडा वाइन मैंने ज़्यादातर प्लांट्स जो है कटिंग से ही तैयार किए हैं। तो ये देखिए, ये अलमांडा वाइन की कटिंग्स मैंने पहले कटिंग से लगाई, फिर उसके बाद से उसी में से ही कटिंग्स निकाल के और कटिंग्स मैंने ये तैयार की है। इसमें भी देखिए दोस्तों, मैंने जो है गुड़हल की कटिंग लगा रखी है, और ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। ये देखिए मोगरे की कटिंग्स इसमें लगा रखी है, इसमें से भी कटिंग सारी जो है कुछ दो तीन खराब हुई है, बाकी सब अच्छे से चल रही है। ये देखिए दोस्तों, मैंने जथरोफा की कटिंग लगा रखी है, और ये देखिए ये भी एक महीने पहले मैंने लगाई थी। ज़्यादातर प्लांट्स मैंने एक महीने पहले ही लगाए थे, और ये देखिए इसमें भी फुटाव शुरू हो गया है। तो ये कटिंग्स भी मेरी अच्छे से चल पड़ी हैं दोस्तों। ये देखिए, ये यहाँ पर भी मैंने ये कटिंग्स लगाई थी। ये है हमारा वो क्या कहते हैं स्थल कमल, जिसमें तीन रंग के मतलब तीन एक फूल जो है तीन रंग चेंज करता है। सुबह वाइट कलर में निकलता है, दोपहर में लाइट पिंक होता है, और शाम तक में वो डार्क पिंक हो जाता है। तो ये देखिए मेरे दो प्लांट्स जो है ये भी तैयार हो गए हैं स्थल कमल के, और इसकी फ्लावरिंग मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह की फ्लावरिंग इसमें आती है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग की ये बढ़िया गुलदाउदी की सारी कटिंग्स तैयार हो चुकी है, और ये देखिए अब मुझे इसे रिपोर्ट भी करना है। और ये देखिए कितनी हरी भरी हो गई है, और काफ़ी बुशी भी हो गई है। मैंने तीन से चार बार इसकी पिंचिंग की है। अब मौसम आ गया है तो इसे अब अलग अलग करके मैं अलग अलग पॉट में इसे लगाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, ये मैं पार्क से जो कटिंग लेकर आई थी वो है, तो उसमें से कुछ कटिंग चली, कुछ कटिंग हमारी ख़राब हो गई। ये है सिंगल पैटर्न चांदनी वाइट वाली, और इसकी जितनी भी मैं कटिंग्स लेकर आई थी उसमें से एक दो ही ख़राब हुई है, बाकी सब चल पड़ी है। ये देखिए ये भी है, और यहाँ पर देखिए ये शावनी की भी कटिंग मैं वहीं से लेकर आई थी, और ये भी देखिए कितनी अच्छे से कटिंग मेरी चल रही है। ये देखिए ये शावनी जो है, अब ये है कि ये शावनी का जो प्लांट है ये वाइट वाला और पिंक वाला मैं दो लेकर आई थी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये वाइट वाला है कि पिंक वाला है, लेकिन ये भी अच्छे से चल पड़ी है। और इसमें भी देखिए चांदनी की सारी कटिंग्स मेरी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने ये जो क्या कहते हैं ऑरेंज टिकोमा की कटिंग लगाई थी, और ये देखिए ये भी कितनी अच्छे से चल रही है, और ये भी मैंने एक महीने पहले ही कटिंग्स लगाई थी। देखिए यहाँ पर भी मैंने लगा रखी है, और ये भी देखिए कितनी अच्छे से चल रही है। ये भी देखिए दोस्तों, मैंने गोम्फ्लेरा की कटिंग लगाई थी, और ये भी देखिए कितने अच्छे से ग्रीन हो गई है, और इसमें रूट्स भी बन गई है। बस जो है मुझे अभी से मिट्टी में ट्रांसप्लांट करना है। इसे मैंने मोरंग में लगा रखा है, मोरंग क्या वो जो बालू आती है उसमें मिट्टी मिक्स करके मैंने इसमें कटिंग लगाई है। इधर भी देखिए मैंने एग्लिफा की कटिंग लगाई है, और जो है दो कटिंग लगाई थी, और ये भी जो है अच्छे से चल रही है। और ये देखिए एग्लिफा की, यहाँ पर भी मैंने जो है जथरोफा की कटिंग लगाई है, ये एग्लिफा की लगा रखी है। और दोस्तों ये सारे प्लांट्स आप लेने जाइए, नर्सरी में बहुत महंगे मिलते हैं, तो जब हम ये कटिंग आराम से घर में ही तैयार कर सकते हैं, तो आपको जहाँ कहीं भी कटिंग्स मिले तो आप ज़रूर लगा लीजिए। और ये देखिए ये वो वाली है क्या कहते हैं मिर्ची गुड़हल की कटिंग मैंने यहाँ पर लगा ली, और ये देखिए ये भी कितने अच्छे से हरी हरी है और चल पड़ी है। यहाँ पर भी देखिए मैंने जो है सावनी की कटिंग लगाई थी पार्क से लाके वही, तो इसकी वीडियो भी मैंने शेयर की है कि किस तरह से मैंने लगाई है। जिसको देखनी है मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है। और ये भी देखिए कितनी अच्छी हरी भरी हो गई है। ये देखिए दोस्तों, डबल चांदनी की कटिंग भी मैंने आपसे शेयर की थी कि किस तरह से लगाना है। मैंने ऊपर की टिप कट करके लगाई थी, और ये देखिए ये भी अच्छी खासी चल रही है। और विंका की भी कटिंग मैंने लगाई थी, और ये भी देखिए ये यहाँ पे
देखिए कितने अच्छे से चल पड़ी है। तो हाइब्रिड विंका की भी आप कटिंग लगा सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाइट वाला अपराजिता है और मैंने वाइट वाले अपराजिता की कुछ कटाई छटाई की थी। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा फैल गया था तो मैंने कटिंग इसी में ही ऐसे ही गाड़ दी थी। और ये देखिए, ये भी हरी भरी है और ये भी चल पड़ी है। ये हमारा जो क्या कहते हैं जीजी प्लांट है, जिसकी रिपोर्टिंग किया था हम लोगों ने, मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है कि मैंने इसकी रिपोर्टिंग कैसे की थी। और ये देखिए, ये भी अच्छे से चल रहा है। और ये मैंने स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग लगाई है, अभी ये 3 दिन पहले ही मैंने लगाई है, ग्रीन वाले स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग। और ये भी देखिए कितने अच्छे से चल पड़ी है दोस्तों। ये भी मैंने अडेनियम की कटाई छटाई की थी, पिंक वाले अडेनियम की, और उसकी भी कटिंग्स मैंने लगा दी थी। मैंने 4 कटिंग्स लगाई थी लेकिन 2 खराब हो गई और 2 देखिए अच्छी खासी चल पड़ी है। और ये देखिए कितनी अच्छी इसमें लीव्स भी आई है, कुछ टाइम बाद जो है इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें देखिए, ये मैंने क्या कहते हैं, हाँ, मीठी नीम के शीट्स डाल दिए थे। मेरे जो मीठे नीम का प्लांट है उसमें शीट्स निकले थे तो मैंने इसी में ऐसे डाल दिए थे। तो देखिए कितने अच्छे इसमें प्लांट्स छोटे छोटे तैयार हो गए। तो दोस्तों देखिए, वेजिटेबल्स साफ़ करते टाइम मुझे डकवीट्स की 2-4 लीव्स मिली थी, ये भी वीडियो मैंने आपसे शेयर किया है। और ये देखिए, एक से बढ़कर कितनी सारी हो गई है। और ये भी ऑनलाइन महंगा मिलता है। और दोस्तों, बिगनर्स से जो मैंने शेयर किया था कि बिगनर्स भी आसानी से कटिंग्स लगा सकते हैं, और जो कटिंग्स मैंने शेयर किया था अपने जो बिगनर्स हैं उनके लिए, तो देखिए ये देखिए कितनी अच्छी कटिंग चल रही है। ये मैंने गुड़हल की उन लगाई थी, और ये मधुकामनी की, और ये बोगनविलिया की कटिंग्स। तो देखिए दोस्तों, ये भी देखिए कितने अच्छे से चल रही है। और ये देखिए लैला मजनू प्लांट है, और इसकी भी मैंने टिप की कटिंग काट के शॉर्ट वीडियो में शेयर किया है आपसे। तो ये देखिए यहाँ पर लगा दिया था, तो ये भी देखिए मेरी कटिंग्स अच्छे से तैयार हो गई है दोस्तों। यहाँ पर मैंने टिक अपने ये क्या कहते हैं येलो बेल, उसकी भी मैंने ये कटिंग्स लगाई थी, जिसे गोरी चोरी भी कहते हैं। और इसमें मैंने 4-5 कटिंग लगाई थी, तो 2 कटिंग्स जो है यहाँ पर ख़राब हो चुकी है, बस बाकी सब जो अच्छी है। और ये देखिए इसमें रूट्स भी आ गई है। तो भाई मेरे तो मुफ्त के प्लांट तैयार हो गए हैं। भाई इसी तरह ही आप भी प्लांट्स जो है रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ पर भी मैंने कटिंग्स लगाई थी बोगनविलिया की, उठा भी हाँ ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए बोगनविलिया की कटिंग मैंने यहाँ पर भी लगाई है। ये भी देखिए ग्रीन है, अभी तो फिलहाल इसमें रूट्स नहीं बनी होगी, रूट्स बनने में टाइम लगता है बोगनविलिया में, लीव्स पहले निकलनी शुरू हो जाती है लेकिन रूट्स जो है थोड़ी देर में निकलती है। ये देखिए हमारा पेनीवॉर्थ का प्लांट, और ये देखिए कितना बुशी होता जा रहा है, इसकी भी वीडियो मैंने आपसे शेयर की है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर देखिए अल्मांडा जो मैं ये वाला लेकर आई थी, येलो वाला, आप देख पा रहे होंगे जिसमें येलो फूल निकला है, उसकी भी कटिंग मैंने लगाई है। ये देखिए अभी मुश्किल से 2-3 दिन हुआ होगा, तो देखिए ये भी बढ़िया लग गई है। और इसे मैंने सारे प्लांट्स के बीच में रख रखा है, जहाँ छन छन की धूप भी आती रहे और जो है बढ़िया हमारा प्लांट्स भी चलता रहे। हाँ दोस्तों, ये जो एग्लोनिमा है, स्नो वाइट एग्लोनिमा, तो जिसे मैंने पानी में लगा रखा था, अब देखिए उसमें फुटाव शुरू हो गया है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। तो देखा, उम्मीद अगर रखते हैं और कर्म करते जाएं तो देखिए भाई फल तो मिलता ही मिलता है। तो ये देखिए कितना सुंदर और कितनी खुशी होती है, जिस प्लांट्स की उम्मीद भी छोड़ दी थी कि ये ग्रो होगा, लेकिन देखिए पहले पानी में ग्रो किया है। थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ा उम्मीद हो, थोड़ी सी मेहनत हो, थोड़ा सा विश्वास हो, तो भाई कोई भी प्लांट्स होगा तो लग जाएगा। पहले मैंने पानी में इसे ग्रो किया, जब रूट्स निकल आई तो इसे मिट्टी में ग्रो किया, अब इसका इसमें देखिए फुटाव शुरू हो गया है। इसी तरह इसे भी हम लोगों ने पानी में ग्रो किया था, ये चाइनीज़ एवरग्रीन है, और इसमें भी देखिए लीव्स निकलनी स्टार्ट हो गई है। तो जिन्होंने मेरे ये वीडियोस नहीं देखी है तो वो जाके मेरे चैनल पर देख सकता है। ये देखिए डॉल्फिन ड्रेसिना हमारा, और इसमें भी देखिए, ये भी मैंने यहाँ से कट करके ये देखिए इसके इसी गमले में लगा दिया था, तो इसमें भी नए नए फुटाव शुरू हो गए हैं, ये भी लग गया है हमारा। और ये देखिए इसमें भी न्यू ब्रांचें निकलनी शुरू हो गई है, आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसे सेंटर से कट किया था, ये देखिए यहाँ से मैंने कट किया था और 2 ब्रांचें ये निकल आई हैं। तो देखिए भाई दोस्तों, ये देखिए आप वहाँ लेने जाएंगे नर्सरी में तो ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, तो जब आप घर ही पर ही लगा सकते हैं, देखिए नॉलेज तो धीरे धीरे ही मिलता है, तो जो है आप कोशिश करेंगे तो एक बार हार मिलेगी, दूसरी बार हार मिलेगी, लेकिन जो है उसके बाद जो है भाई
सफलता तो एक ना एक दिन जरूर मिलती है। और ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी, इसकी भी वीडियो मैंने आपसे शेयर किया है। और ये देखिए दोनों कटिंग्स लग गई है। ये मैंने एक लीफ से लगाया था, ये वाला देखिए, ये वाला सिंगल लीफ से लगाया था और उसमें नोट थी। और ये देखिए ये भी चल पड़ा है, और ये दूसरी मैंने कटिंग लगाई थी ये भी चल पड़ा है। और ये देखिए कितना बढ़िया, ये इतना बड़ा हो गया है, तो इसे भी मैं रिपोर्ट करूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रबर प्लांट है, और इसे भी मैंने टिप की कटिंग जो है यहाँ से कट कर दिया था। कट करने के बाद जो है इसे ये देखिए यहाँ पर लगा दिया था, और ये भी देखिए कितने अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों, आप भी जो है, अब ये आखिरी मौसम चल रहा है कटिंग्स लगाने का, फिर तो आप फरवरी में ही कटिंग्स लगा सकते हैं इन सभी प्लांट्स की। तो जिन्होंने नहीं लगाई है तो वो भी खूब सारी कटिंग्स लगाएं, और कटिंग्स लगाने के बाद जो है आप उसे छेड़िए नहीं, उसे छोड़ दीजिए, तो देखिए वो कटिंग्स कितनी अच्छे से चल पड़ेगी। बिगनर्स हो या जो है एक्सपर्ट हो, वो इस मौसम में जितनी भी कटिंग्स लगा लेंगे वो जो है अच्छे से चल पड़ेगी। क्योंकि अब जो है ये सितंबर का महीना है, अक्टूबर से जो है हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी, तो जो है कटिंग्स फिर सक्सेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिर जो है अब फरवरी में ही कटिंग्स लगा सकेंगे। तो देखिए अभी कोलियस की भी कटिंग्स आप लगा सकते हैं, और भी जो जितने मैंने प्लांट्स आपसे शेयर किए हैं, जिन जिन की कटिंग्स मैंने लगाई है, तो उन सब की कटिंग्स आप लगा लीजिए। तो दोस्तों, मेरी ये कटिंग्स की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो, आप तो समझदार व्यूवर्स हैं, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर। देखिए कितना बढ़िया झूले में झूल रहे हैं दोनों लोग। ओके बाय।